हाय हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ एसएस। या एक सर्कुलर निकल कर आया कि एपीएआर के लिए। एपीएआर इसका मतलब क्या होता है? अप्रेजल परफॉर्मेंस, सॉरी हाय हेलो वेलकम बैक टू सेकंड साइट यूट्यूब चैनल। मैं हूँ एसएस। या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एक सर्कुलर जारी हुआ, कब ये देख सकते हैं दिनांक, ये 23rd 3 2023 को। ये क्या है पूरा हम समझने के लिए समझेंगे अभी। आई एम फ्रॉम द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाट आई एम स्पीकिंग इन दिस टाइप ऑफ हिंदी। ओके, प्लीज़ डोंट माइंड इफ एनी मिस्टेक्स आर देयर। कुछ गलतियाँ होता है मेरे से विद द लैंग्वेज, और डोंट माइंड विद दैट। ओके, अभी मैं दिखा मतलब बोलता हूँ कि एपीएआर रेलवे एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अ ग्रुप ग्रेड पे लेवल 1800 लेवल वन जॉब्स। ये जो लेवल वन जॉब जो है, ये ग्रुप डी है। बस लेवल जॉब जो है जो ग्रुप डी है, ये एपीएआर मतलब क्या है ये सब जानेंगे। जानने से पहले थोड़ा लाइक कीजिएगा, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर मी। ओके, देख सकते हैं 23rd को ये सर्कुलर जारी हुआ है। और ये ए पी ए आर मतलब का क्या होता है? ए मतलब एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ओके, मतलब एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ओके, मतलब इसका मतलब क्या होता है? जो ये हर साल इसको बनाया जाएगा, आपका परफॉर्मेंस कैसा है वो सब इसका अंदर दिखाया जाएगा। मतलब नीचे हम दिखाते हैं एक शीट, उसका अंदर सब कुछ मेंशन्ड है। ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? जो GDCE जो रेलवे में रहता है ना, LDCE, उसी के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका अंदर रिकॉर्ड ऑफ सर्विस बोल के एक रहता है, उसका अंदर ये मार्क्स इंक्लूड होता है। ठीक ना, ये मार्क्स उसका अंदर इंक्लूड होता है। लगभग 5 to 15 मार्क्स रहता है ये APARI का ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक ना, ये इसका अंदर 1 to 5 एट्रिब्यूटीज पॉइंट्स रहता है। 1 to 5, 1 से 5 तक, 5 आएगा तो एक्सलेंट और 1 आएगा तो लो परफॉर्मेंस, कुछ भी नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है वो। और उसका अंदर B1, B2, B3, B4 एंड सेक्शंस रहता है, वो भी हम देखेंगे। ये सब पॉइंट्स जो है रिकॉर्ड ऑफ सर्विस को ऐड होता है। ठीक ना, ये बात हम आप लोग ध्यान में रखना। ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, कई के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो सब जानते हैं, सब दूसरा जॉब के लिए कोशिश करते हैं, मतलब उसको क्रैक करने के लिए। उसी लिए उसको क्या करते हैं, तो आप लोग वो एब्सेंट करके चले जाते हैं। ठीक है, एब्सेंट करके चले गए तो APAR जो है आपको थोड़ा कम मिलेगा, मतलब 1 to 5 नहीं मिलेगा, 4, 3 ऐसे मिलेगा। ऐसे मिलेगा तो GDCE LDCE में आपको एलिजिबल, मतलब इतना मार्क्स नहीं आएगा। हाँ, आपको मार्क्स नहीं आएगा। बस हम देखेंगे वो कैसे रहता वो फार्मेट देखेंगे। ये देखना APAR फॉर स्टाफ वर्किंग इन अ लेवल वन। इसका पहले लेवल वन को नहीं रहता था। हाँ, अभी से शुरू करने के लिए कोशिश कर रहा, मतलब फॉर द पीरियड, मतलब ये 2023 से 2024 ऐसे लिखता है इधर। ठीक ना, नाम या देख सकते हैं फादर नाम, और डिजिग्नेशन एंड स्टेशन कहाँ पे काम कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब लिखता है वो जो है आपको। सब इसमें भरना पड़ता है, नहीं तो वो जो आपको ये मार्क्स देने वाला ही बढ़ता है। ये B1 क्या है वो देखेंगे इधर, और पहले B2 का है देखेंगे, जनरल क्वालिटीज़। ओके, ये B1 क्या है, मार्क्स देता है डायरेक्ट 1 to 5 जो भी है मार्क्स, ये इधर लिखता है। ठीक ना, B2 ये देख लेना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सब जानना है ये। ठीक ना, ये पहले अटेंडेंस वो आप 100% अटेंड है तो 5 मार्क्स डालते हैं, नहीं तो लाइक 50% है तो 4, 3 ऐसा डाल सकता है इधर। अटेंडेंस, जनरल इंटेलिजेंस, आपको कितना नॉलेज है, और फिजिकल फिटनेस ये भी देख सकते हैं। वर्किंग एबिलिटी ये B2 में आता है, B3 में वर्किंग एबिलिटीज़ के अंदर नॉलेज ऑफ रूल्स, जो रेलवे का रूल्स है सब कुछ आपको जानना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी
कंसिस्टेंस, ओके, क्वालिटी ऑफ वर्क, प्रॉम्प्टनेस, उसके बाद दिखाया जाएगा ओवर परफॉर्मेंस, इधर लिखा जाएगा 1 to 5th, ये रिकॉर्ड ऑफ सर्विस का अंदर सर्विस रिकॉर्ड में ऐड होता है, ये सब ये देख सकते हैं, 1 is the lowest और 5th is the highest, ओके, वेरी गुड एंड आउटस्टैंडिंग, मतलब 5th को आउटस्टैंडिंग देते हैं, 4, 3, 2, 1 ऐसा देता है, ठीक ना, ओके, अभी ये सिग्नेचर ये सब देख सकते हैं आप लोग, ये मतलब एब्सेंट नहीं होना, आप लोग GDC LDC को तैयार कर रहा है तो एब्सेंट नहीं होना, एब्सेंट है तो आपको थोड़ा कम मिलेगा, वो भी आपको मतलब कुछ करेगा, ठीक ना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।